हमारे हिंदुस्तान में अधिकतम जनता गरीब है, और इन गरीब जनता के लिए हर सरकार, प्रदेश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेलफेयर स्कीम्स चलाते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज पूरे हिंदुस्तान भर में एक ऐसा माहौल बीजेपी पार्टी बना रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है कि जो वेलफेयर स्कीम गरीब लोगों को देते हैं वो कहते हैं इनको फ्रीबी के नाम से बुला रहे हैं आजकल, और बोल रहे हैं कि फ्रीबी नहीं देना चाहिए। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से और बीजेपी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही है उनको आप फ्रीबी मत बुलाइए, क्योंकि ये फ्रीबी बुलाने से गरीब लोगों का इंसल्ट होता है। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी ये चीज़ होती है जो आपने अभी 10 लाख करोड़ का जो कर्ज़ा माफ़ी किया है, जो कॉरपोरेट आदमी हैं जिन्होंने बैंक्स को लूट के गए हैं उनको जब माफ़ी किया उसको फ्रीबी बुलाते हैं। जो वेलफेयर स्कीम होता है गरीब आदमी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके खेती के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये सारे फ्रीबी नहीं कहे जाते, क्योंकि ये सरकार का जिम्मेदारी होता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार होने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होने दीजिए। गरीब के लिए चलाने वाले वेलफेयर स्कीम्स इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये फ्रीबी बिल्कुल नहीं बोले जा सकते। ये फ्रीबी नाम पहले आप बंद कर दीजिए, गरीब को इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है, प्रदेश जो चलाती है वेलफेयर स्कीम आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो भी प्रदेश को इंडिपेंडेंस दे दीजिए कि वो अपने आप में चला ले, जैसे तेलंगाना में हम चलाते हैं। हम रायतु बंधु स्कीम देते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, हेल्थ का अच्छा स्कीम्स है, हमारे यहाँ 1000 स्कीम चलते हैं। और कल आप ऐसा देश भर में एक माहौल बना के ये सारे स्कीम्स बंद करने के लिए प्रदेश के सरकारों के ऊपर जो दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गरीब का कोई भी इसमें फायदा नहीं होने वाला है।